एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके? क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसे ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। लेकिन अभी वो जब गए अपनी कैंपेन में तो वहाँ के लोकल नेताओं का के बारे में उन्होंने अपने वैली में उनका बारे में कहा, उससे पहले जब उत्तराखंड के बागेश्वर सीट की बात करी जाए तो वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार ही दिया था, तो क्या लग रहा है बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्या स्थिति हो सकती है? अब बात बनना या आगे बनाना ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मेरा सुझाव देना या अपनी बात को कहना ये हम सबका काम है, और अपना काम तैयारी करना। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहां की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर खागा लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहां आए थे और जबरदस्त तैयारी है। हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि राज्य स्तर पे भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और इस तरह से चीजें नहीं होती, क्योंकि गठबंधन में चेक एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत होती है। इस तरह से नहीं कि आप हर जगह चाहेंगे तो इस तरह से नेतृत्व नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चेक एंड बैलेंस अगर आप देखेंगे तो घोसी में सब समर्थन किसने किया? सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए, क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। अगर घोसी में खाली मौखिक समर्थन था, वहां पे जमीनी समर्थन तो नहीं देखने को मिला। कहना यह कि किसी और पार्टी ने आके कैंपेन नहीं किया उनके कैंडिडेट के लिए? हमारे पूरे हमारे सारे लोगों ने आके वहां पे जाकर कैंपेन किया। कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं गया? हमारे वहां के इंचार्ज जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां के महासचिव हैं, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष, मऊ के जिलाध्यक्ष दिन रात काम किए हैं। वो अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं सुधाकर सिंह से कि कांग्रेस के लोगों ने वहां समर्थन किया है कि नहीं किया है, पूछ लें। अगर वो कैसे वहां अगर उनका कैंडिडेट ये कह देगा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है तो मैं उनके बात से वाकई आप सहमत हो जाऊंगा कि नहीं वो सही बात बोल रहे हैं। आप अपने वहां के जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे पूछ लें कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, जमीनी स्तर पर समर्थन किया है कि मौखिक किया है, कि इनके लिए वोट डलवाया है, ये मदद नहीं की है, ये सुधाकर सिंह प्रमाण है, पूछ लें उनसे, सामने आ जाएगी सारी चीजें। घुमा के बात मैं नहीं करता, मैं सीधे बात करता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं।